नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। कटनी, लॉकडाउन की 2 महीने से अधिक की अवधि में भले ही नगर निगम ने दिन रात शहर की सफाई और नालों नालियों के कचरे की सफाई की बात कही हो, लेकिन निगम के सारे दावों की पोल उस समय खुल गई जब पहली ही तेज बारिश में शहर की कई सड़कें और कॉलोनियां पानी से लबालब हो गई। एक ओर तिलक राष्ट्रीय स्कूल के पास निर्माणाधीन नाले के कारण चांडक चौक से तिलक राष्ट्रीय स्कूल तक बारिश में जलभराव की स्थिति होने से लोगों का पैदल निकलना मुश्किल हो रहा है, तो वहीं शहर के मुख्य मार्गों और कॉलोनियों में घुटने तक पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। नगर निगम के अधिकारियों ने पिछले 2 माह से अधिक समय में सफाई कर्मचारियों के माध्यम से विशेष अभियान चलाकर बारिश पूर्व व्यवस्थाएं करने की बात भी कही थी, लेकिन अधिकारियों ने व्यवस्था के नाम पर कितना काम कराया है यह बात पहली ही तेज बारिश में सामने आ गई है। संवाददाता कटनी हीरा विश्वकर्मा। भैया आप यहाँ जा रहे थे, अभी क्यों लौट के आ गए वहाँ से? अरे जब दोनों तरफ पानी भरा रहता है, मतलब यहाँ के रास्ता पानी ना होगा तो इसलिए जा रहे थे हम, यहाँ भी भरा। लगभग कितने पानी भरा होगा? लगभग घुटनों से पानी है यहाँ। कहाँ जा रहे थे आप? ट्रांसपोर्ट जा रहे थे। क्या नाम है आपका? शुभम कुमार प्रजापति।